यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने क्षेत्र में फंसे बेसहारा लोगों के लिए नगर में चल रही मोदी रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए करीब 10 मिनट तक पूड़ियां भी तली। महिला विकास समिति की कार्यकर्त्रियों ने यशपाल आर्य का सम्मान किया। लॉकडाउन में बाहर के बेसहारा लोगों को हो रही भोजन की दिक्कत को देखते हुए मोदी सरकार के आदेशों पर भाजपा नगर मंडल ने नगर मंडल महामंत्री अंकुर अग्रवाल के आवास पर मोदी रसोई का शुभारंभ 21 दिन पहले किया था। तब से लेकर आज तक इस रसोई से हजारों लोगों को खाना खिलाया जा चुका है। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल विधायक संजीव आर्य भी इस मोदी रसोई में पहुंचे व गुणवत्ता का निरीक्षण किया। सुंदर कार्य से प्रभावित होकर यशपाल आर्य ने मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता और महामंत्री अंकुर अग्रवाल आदि कार्यकर्ताओं को शाबाशी देकर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं यशपाल आर्य ने करीब 10 मिनट तक इस रसोई में पूड़ियां भी तली। यशपाल आर्य ने कहा कि इस महामारी के बीच इस प्रकार के कार्यकर्ता मोदी रसोई की मदद से गरीबों व बेसहारा लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, वह इस वक्त सबसे बड़ी सेवा है। वहीं राजीव सैनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5100 रुपए की मदद मंत्री को सौंपी। देखिए, मैं अपने सुल्तानपुर पट्टी के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं अंकुर अग्रवाल जी, और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार 20-22 दिन से यहाँ पर मोदी रसोई के नाम से गरीबों को, जो बेसहारा हैं, जो मजदूर हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको रोज भोजन वितरित किया जा रहा है, शुद्ध भोजन दिया जा रहा है, और लगातार 20 दिन हो चुके हैं। तो मैं उनकी पूरी टीम को बधाई भी देना चाहता हूँ। एक मानवता का काम कर रहे हैं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा करना हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए। आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और इस वक्त लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, जो बेसहारा हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, रोजगार भी कम हो गया है। तो एक बहुत कठिन समय हमारे सामने, बहुत संघर्ष का समय है, और हम सबको मिलकर लड़ना है कोरोना जैसी महामारी से, मिलकर लड़ना है। और सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंस की बात है, उसको भी हमने मेंटेन करना है, उसको भी हमें बनाए रखना है, तभी हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं और इस लड़ाई में हम जीत सकते हैं। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर हमें आज गरीब तबके की, कमजोर लोगों की मदद करनी है। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि हमारे सुल्तानपुर की बात करते उत्तराखंड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में रहें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम जीत सकते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, और इस भयावह बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। मैं फिर एक बार राकेश गुप्ता जी को, अपनी पूरी साथी को, अंकुर अग्रवाल जी को, जिन्होंने एक पहल की है, अपने सब साधनों से, अपने व्यक्तिगत साधनों से उन्होंने मोदी रसोई के नाम पर यहाँ पर गरीबों को लगातार भोजन वितरित कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको शाबाशी भी देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभारी भी हूँ।